हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, लेकर आ गया हूँ एक और ट्रेंडिंग रील्स ट्यूटोरियल जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। इस वीडियो में गाइस जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग इंस्टाग्राम रील्स पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोग भी इस सॉन्ग पर अपना वीडियो बनाकर अपलोड करोगे तो आपका वीडियो ही वायरल हो सकता है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, आप लोगों को आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, आज के समय वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को कैपकट ऐप की जरूरत पड़ेगी एंड कैपकट ऐप को यूज करने के लिए आप लोगों को एक वीपीएन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग गाइस वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस वीपीएन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं सुपर वीपीएन का यूज कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी वीपीएन का यूज कर सकते हो। तो ओपन होने के बाद आप लोगों को इस वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने वीपीएन को जरूर से कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास कैपकट ऐप नहीं है तो आप लोगों को कैपकट ऐप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। तो यहाँ पर गाइस स्टार्टिंग में आप लोगों को अपना एक वीडियो को ऐड करना है। तो आप लोग जो भी वीडियो को ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी ऐड फोटो को ऐड करना है। तो आप लोग गाइस अपनी फोटोज़ को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फोटोज़ को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो एंड फोटोज आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को वीडियो के एंड में यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट मिलेगा, इसको आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर यहाँ से आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पर हम लोग आइडियो को ऐड करेंगे। तो आप लोगों को ऐड आइडियो पर टैप करना है, इस ट्रैक पर टैप करेंगे। तो गाइस ये आइडियो वीडियो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस वीडियो में से आइडियो को निकाल लेना है। तो यहां पर हमारा उस वीडियो में से आइडियो आ चुका है, आप लोगों को इस आइडियो पर टैप करना है। फिर यहां से आप लोगों को मैच कट पर टैप करना है। तो गाइस आप लोगों को इस आइडियो में बीट मार्क को ऐड करना है। तो आप लोग गाइस बीट के हिसाब से बीट मार्क को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आइडियो को प्ले करके बीट मार्क को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने आइडियो में बीट मार्क को ऐड कर लिया है, आप लोग भी अच्छे से आइडियो में बीट मार्क को ऐड कर लीजिएगा। बीट मार्क ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से डन कर देना है। तो यहाँ पर आपके आइडियो में बीट मार्क ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ से आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, आप लोगों को स्टार्टिंग की बीट मार्क पर आना है। यहाँ से आप लोगों को अपनी वीडियो पर टैप करना है, आप लोगों को अपनी वीडियो को यहाँ से कट कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट बीट मार्क पे आना है, यहाँ से आप लोगों को अपनी वीडियो को कट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ से अगले बीट मार्क पे आना है, वीडियो पर टैप करना है, यहाँ से आप लोगों को वीडियो को कट कर लेना है। फिर उसके बाद गाइस जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर यहाँ से आप लोगों को अपनी फ़ोटो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को अपनी फर्स्ट फोटो पर टैप करना है, आप लोगों को अपनी फ़ोटो को बीट मार्क के हिसाब से कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। तो आप लोगों को अपनी सभी फ़ोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं जल्दी से फ़ोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग भी अच्छे से बीट मार्क के हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने सभी फ़ोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। फिर आप लोगों को अपनी फ़ोटो पर टैप करना है, इसको आप लोगों को दोनों फिंगर से फुल साइज में कर लेना है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी सभी फ़ोटोज़ को फुल साइज में कर लीजिएगा। एंड गाइस आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर इसी तरीके से ट्रेंडिंग रील्स ट्यूटोरियल आता रहता है, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, पर आप लोगों को यहाँ से स्टार्टिंग में आना है, आप लोगों को अपने सेकंड वीडियो क्लिप पर टैप करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को इस वीडियो को रिप्लेस करना है।
यहाँ पर गाइस आप लोगों को अपने दूसरे वीडियो को ऐड करना है तो रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने एक दूसरा वीडियो ऐड कर लेना है तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। आप लोग भी अपना कोई भी दूसरा वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने वीडियो को रिप्लेस कर लिया है, पर आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो क्लिप पर टैप करना है। फिर यहाँ से आप लोगों को रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को रिप्लेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो रिप्लेस हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो पर टैप करना है, फिर यहाँ से आप लोगों को एनिमेशन पर टैप करना है, फिर यहाँ से आप लोगों को कॉम्बो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये एनिमेशन सही से लोड नहीं हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर फिर भी मैं एनिमेशन को ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को स्टार्टिंग के तीनों वीडियो क्लिप में स्लाइड एंड वेव एनिमेशन को अप्लाई करना है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एनिमेशन मिल जाएगा। तो आप लोगों को स्टार्टिंग के तीनों वीडियो क्लिप में इसी एनिमेशन को अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को अपनी फर्स्ट फोटो पर टैप करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर सेकंड में वेव एंड स्लाइड का एनिमेशन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को इस एनिमेशन को अपनी फ़ोटो में अप्लाई कर लेना है। तो आप लोगों का इस स्टार्टिंग की थ्री फोटोज़ में इस एनिमेशन को अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट फोटो पर आना है, थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को जूम एनिमेशन मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोगों को अपनी फ़ोटोज़ में जूम टू एनिमेशन को अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जूम वन वाले एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग अपनी लास्ट की सभी फ़ोटोज़ में जूम एनिमेशन को अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। तो गाइस हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो देखने में भी बहुत ही गजब का लग रहा है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर की ओर एरो पर टैप कर देना है, तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय।